ताइवान के खिलाफ चीन ने अपनी सैन्य गतिविधि तेज कर दी है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन के 13 फाइटर जेट ने ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा को पार किया। चीन की मिलिट्री ड्रिल को देखते हुए ताइवान ने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। तो चीन ने अपना युद्धाभ्यास तेज कर दिया है, इसमें तेजी देखी गई है और 13 फाइटर जेट्स जो चीन के हैं उसने ताइवान की सीमा पार की है। ताइवान स्ट्रेट की मध्य रेखा चीन के विमानों ने पार किया, ये बड़ी खबर, और इसको देखते हुए ताइवान की तरफ से डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया है। चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ने से सिर पर युद्ध का खतरा मंडराता दिखा। वजह है चीन के 14 फाइटर जेट ताइवान जलडमरू मध्य में घुस आए। चीन के जंगी जहाज ने ताइवान को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, जिससे दो देशों के बीच युद्ध का खतरा बढ़ता दिखा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन लगातार अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा रहा है। दावा किया गया कि चीन के 13 फाइटर जेट ताइवान स्ट्रेट यानी ताइवान जलडमरू मध्य में घुस आए और मध्य रेखा को पार कर लिया। ताइवान ने आरोप लगाए कि चीन लगातार ताइवान की सीमा के पास अपनी सैन्य गतिविधि को बढ़ा रहा है। ताइवान ने यह भी आरोप लगाया कि युद्धाभ्यास के जरिए चीन डराने की कोशिश कर रहा है। चीन पिछले एक सप्ताह से ताइवान की सीमा के पास मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसकी सीमा के पास चीन के 14 युद्धपोत और 66 फाइटर जेट की पहचान की। चीन की हरकत का जवाब देने के लिए ताइवान भी पूरी तैयारी में जुट गया। चीन के सैन्य हमलों का जवाब देने के लिए ताइवान ने अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया। इस वक्त चीन ने ताइवान को पूरी तरह से घेर लिया है। चीन के जंगी जहाज, सबमरीन, मिसाइलें सबके टारगेट पर सिर्फ ताइवान है। कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग के बस पीपल्स लिबरेशन आर्मी को अटैक का ऑर्डर देने की देर है। लड़ाकू विमानों का काफिला, मिसाइलों की बरसात, सबमरीन से हमला, साइबर अटैक, ने ताइवान को चारों ओर से घेर लिया है। मिलिट्री ड्रिल के नाम पर ड्रैगन ने ताइवान को जैसे बंधक बना लिया है। चीन ने ताइवान सीमा के पास दाखिल होने वाले रास्तों को कब्जे में ले रखा है। चीन ने ताइवान के बड़े बंदरगाहों के आसपास अपना जमावड़ा बना लिया है। किलेबंदी के जरिए चीन की सेना ताइवान के 3 बड़े सैन्य ठिकानों पर आसानी से हमला बोल सकती है। दक्षिणी ताइवान की सीमा पर चीनी सेना का घेरा है। इससे चीन अगर सैन्य कार्रवाई करता है तो ताइवान की सेना या वहां के लोगों को क्षेत्र से भागने तक का मौका नहीं मिलेगा। चीन की सेना ने ताइवान से लगती समुद्री सीमा पर युद्धाभ्यास किया है। इससे ताइवान की अर्थव्यवस्था के लिए अहम आयात निर्यात पर बुरा असर पड़ रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी साझा की है। हमारे क्षेत्र में 21 चीनी सैन्य विमानों और 6 चीनी नौसैनिक जहाज मंडरा रहे हैं। देश पर चीन का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। चीन ने ताइवान के निकट करीब एक सप्ताह तक चले सैन्य अभ्यास के बाद एक बार फिर ताइवान पर हमले की धमकी दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेन बिन ने कहा है कि स्वतंत्रता के लिए बाहरी ताकतों के साथ मिली भगत और उकसावे में आने से ताइवान केवल अपनी तबाही को न्योता देगा
और उसे शह देने वालों का भी जल्द खात्मा हो जाएगा। ताइवान की आजादी का उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा और राष्ट्रीय हितों पर कोठाराघात करने का कोई भी प्रयास पूरी तरह विफल हो जाएगा। शी जिनपिंग का ये डबल गेम है जो बाइडन के साथ फोन पर शांति के वादे और दूसरी ओर ताइवान स्ट्रेट में अपने जंगी जहाजों से जबरदस्त गोलीबारी का प्रदर्शन। पूरी दुनिया ड्रैगन के इस खेल को देख रही है। पुतिन की तरह शी जिनपिंग ने ताइवान पर हमले की जो प्लानिंग तैयार की है वो अब एक्सपोज हो चुका है। लेकिन सवाल ये है कि जब अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने चीन के मना करने के बावजूद ताइवान की यात्रा की तो चीन ने उनका प्लान क्यों नहीं रोका? चीन की नैन्सी पेलोसी का हवा में विमान उड़ाने की धमकी टाइम टाइम फिस क्यों हो गई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि हाथी के दो दांत की तरह क्या चीन ताइवान को सिर्फ डराने का खेल खेल रहा है या सिर्फ ये जताना चाहता है कि चीन जब चाहे ताइवान को अपने दांतों तले दबा देगा? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमने दुनिया के कई एक्सपर्ट की राय जानने की कोशिश की। इंटरनेट पर साझा हमने ताइवान और चीन के बीच के रिश्ते की कहानी को समझने के लिए पूरी रिसर्च की और जो परिणाम सामने आया वो चौंकाने वाला निकला। इसकी पूरी डिटेल हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन खुद ताइवान अपनी सेफ्टी के लिए क्या कर रहा है पहले वो देख लीजिए। ताइवान कह रहा है कि चीन का युद्धाभ्यास कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि भविष्य में होने वाली जंग का रिहर्सल है, लिहाजा ताइवान भी युद्धाभ्यास कर रहा है। ताइवान की राजधानी ताइपेई में लोगों को युद्ध की सूरत में बचने की ट्रेनिंग दी जा रही है। शहर में सायरन का शोर रह रहकर सुनाई दे रहा है। छोटा सा देश जैसे सैनिक छावनी में तब्दील किया जा रहा है। चीन को हर मुमकिन जवाब देने के लिए ताइवान के 300 जंगी जहाज के बेड़े को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। चीन के समंदर किनारे के इलाकों को ताइवान सबसे पहले टारगेट करने का प्लान बना चुका है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि चीन के हमले की सूरत में ताइवान उसके सामने कितने घंटे कितने दिन तक टिक सकेगा? इसे समझने के लिए आपको यूक्रेन पर पुतिन के अटैक की कहानी जाननी होगी, जिसे लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि पुतिन के सामने जेलेंस्की की सेना 72 घंटे में सिमट जाएगी। कीव पर कब्जा तो पुतिन के बाएं हाथ का खेल है, लेकिन ये खेल 5 महीनों से ज्यादा से चल रहा है और अब तो आलम यह है कि यूक्रेन क्राइमिया तक में रूसी विमानों का विध्वंस कर रहा है। लिहाजा जरूरी हो जाता है कि छोटे से देश ताइवान पर विशाल ड्रैगन का दांत गड़ेगा तो वो कब तक टिकेगा ये समझना। असल में ताइवान बनाम चीन की मिलिट्री ताकत की तुलना ही बेमानी है। दोनों में समानता का एक बिंदु भी नहीं है। सवाल है फिर चीन के हमले की सूरत में कैसे बचेगा ताइवान? ताइवान चीन जंग शुरू हो जाएगी, लेकिन ये जंग क्या इतनी आसान है? क्या इस हालात में जब अमेरिका का 7वां बेड़ा चीन का चक्कर लगा रहा है चीन ताइवान पर हमला करेगा? टकटकी लगाए पूरी दुनिया चीन को देख रही है कि क्या होगा शी जिनपिंग का अगला कदम और क्या चीन के हमले से बच पाएगा ताइवान? और क्या ताइवान चीन के खिलाफ अकेले नहीं लड़ सकता? सवाल है कि ताइवान के साथ कौन खड़ा है? क्या अमेरिका और उसके सहयोगी ताइवान के साथ खड़े होंगे? इस वक्त ताइवान को लेकर चीन की आक्रामक नीतियों की जो देश आलोचना कर रही है उनमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। लेकिन ये देश क्या ताइवान पर हमले के वक्त चीन से दो दो हाथ करेंगे?
इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। रही बात अमेरिका की, तो अपना दबदबा बनाए रखने के लिए चीन के सामने मैदान में उसे उतरना ही होगा। और अमेरिका बार बार ये दोहरा भी चुका है कि ताइवान के खिलाफ चीन के मिलिट्री एक्शन को वो हर कीमत पर रोकेगा। इसका नजारा दिख भी रहा है। जब चीन ताइवान स्ट्रेट को अखाड़े में तब्दील कर रहा है, तब अमेरिका का सातवां बेड़ा गश्त लगा रहा है। दक्षिण चीन सागर में ताइवान के चारों ओर किए गए युद्धाभ्यास के दौरान यूएस रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट करियर के साथ कम से कम 4 युद्धपोतों को तैनात रखा था। चीन के युद्धाभ्यास के समय अमेरिका के इस करियर स्ट्राइक ग्रुप पर भी हमले का खतरा था। इसलिए अमेरिकी नौसेना ने सर्वोच्च स्तर पर अलर्ट जारी कर जल थल और नभ से खुफिया जानकारी इकट्ठा की। अमेरिकी युद्धपोत पिछले एक हफ्ते से ताइवान के पूर्व में फिलीपींस सागर के आसपास बने हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि चीन के इस महासैन्य अभ्यास ने अमेरिका को बैठे बैठाए फायदा पहुंचा दिया। इस अभ्यास से अमेरिका और उसके सहयोगियों ने कई महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी इकट्ठा की है। इस अभ्यास में अमेरिका को उन मिसाइलों की जांच करने का मौका दिया है जिनका इस्तेमाल चीन की सेना भविष्य में किसी भी देश पर आक्रमण के दौरान करने वाली है। अमेरिका के 2 सैन्य अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने ताइवान के नजदीक चीन के युद्धाभ्यास का डेटा इकट्ठा किया है। उन्होंने बताया कि इस तरह के युद्धाभ्यास दुश्मन की गहन खुफिया जानकारी जुटाने में काफी मदद करते हैं। मतलब ऐसे में ताइवान अब अपने सबसे बड़े सहयोगी अमेरिका की मदद से चीनी आक्रमण की कार्ड पहले ही खोज सकता है। सिंगापुर स्थित सुरक्षा विश्लेषक कॉलिन को के मुताबिक, चीन के युद्धाभ्यास ने हथियार की बजाय चीन की पूर्वी थिएटर कमांड, इसके रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटजिक फोर्स की निगरानी का एक अहम मौका मुहैया कराया है। इस युद्धाभ्यास के दौरान चीन की सेना के ये तीनों अंग एक साथ मिलकर समन्वित और एकीकृत तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन अमेरिका सौदागर है। सहायता, सहयोग और मित्रता से पहले वो अपने फायदे का हिसाब लगाता है। ताइवान अगर उसके इस कैलकुलेशन पर खरा उतर रहा होगा, तभी शायद अमेरिका ताइवान की मदद करे। रूस यूक्रेन मामले में अमेरिका ने धमकाया, आंखें भी दिखाई और एक हद तक गड़गड़ाया भी, लेकिन रूस इसके बावजूद आगे बढ़ता गया। आखिर चीन ताइवान पर हमला क्यों करना चाहता है? शी जिनपिंग के हमला करने की वजह क्या है? इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये भी समझाएंगे कि आखिर ताइवान को लेकर शी जिनपिंग के दिमाग में चल क्या रहा है। सच तो ये है कि दुनिया के 15 देश ही ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं। अमेरिका, जो पहले ताइवान को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे रहा था, उसने भी शीत युद्ध के दौर में अपने सिद्धांत बदल दिए। तब से अब तक एक समझौते के तहत ताइवान को मदद दे रहा है। हाँ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ताइवान की जनता के सामने चीन के हमले की सूरत में अमेरिका से बड़ा दोस्त नजर नहीं आ रहा। अमेरिका ताइवान पर हमले के वक्त क्या करेगा, इस सवाल को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि इससे भी बड़ा सवाल है शी जिनपिंग के ताइवान अटैक का प्लान। क्योंकि इस मास्टर प्लान में ही छिपा है चीन का भविष्य और ताइवान पर हमले से चीन को होने वाले नफा नुकसान का खेल। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल, सवाल नंबर 1, चीन की वो कौन सी नीति है जो ताइवान पर उसे हमले के लिए मजबूर कर रही है? जवाब है वन चाइना पॉलिसी। सवाल नंबर 2, शी जिनपिंग की वो कौन सी थ्योरी है जिसका खामियाजा चीन को भुगतना पड़ रहा है? जवाब है 2 बर्ड थ्योरी। सवाल नंबर 3, चीन को ताइवान पर हमले से क्या मिलेगा? जवाब है वो पैसा जो ताइवान पूरी दुनिया को चिप बेचकर कमाता है। सवाल नंबर 4, शी जिनपिंग ताइवान पर हमले के लिए इस कदर बेचैन क्यों है? जवाब है शी जिनपिंग की घरेलू मोर्चे पर नाकामी। सवाल नंबर 5, चीन इस वक्त क्या इस हालत में है कि वो ताइवान पर हमला कर पूरी दुनिया की आलोचना झेल सके? जवाब है नहीं।
सवाल नंबर 6, शी जिनपिंग को ताइवान पर हमले से व्यक्तिगत रूप से क्या हासिल होगा? जवाब है, चीन में सुपर पावरफुल नेता का तमगा। सवाल नंबर 7, चीन ताइवान पर अमेरिका से भी टकराने के लिए क्यों तैयार है? जवाब है, दुनिया पर दादागिरी की शी जिनपिंग की हसरत। सवाल नंबर 8, ताइवान को लेकर क्या शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को हमले का ऑर्डर दे दिया है? जवाब है, नहीं। सवाल नंबर 9, क्या चीन अभी सिर्फ डरा रहा है, ताइवान पर हमला नहीं करने वाला है? जवाब है, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग है। सवाल नंबर 10, क्या शी जिनपिंग चीन की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ताइवान अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं? जवाब है, हाँ। इन 10 सवालों का जवाब पूरे ताइवान चीन प्रकरण का ब्यौरा देने के लिए काफी है। कैसे, समझिए। असल में चीन के राष्ट्रपति घरेलू मोर्चे पर बुरी तरह घिरे हैं। नंबर 1, बुरे फंसे हैं शी जिनपिंग। चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है, ताइवान जंग की सूरत में इस पर डायरेक्ट असर होगा। तो चीन की इकॉनमी, जिसकी घरेलू मांग लगातार गिर रही है, जंग की सूरत में इसका और गिरना तय है। नंबर 2, बुरे फंसे हैं शी जिनपिंग। चीन ताइवान पर अटैक करता है तो इसके बदले में ताइवान के निशाने पर होंगे चीन के बड़े बंदरगाह, शंघाई, शेंझेन, निंगबो, ग्वानजू। चीन का दुनिया के व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी इन्हीं बड़े बंदरगाहों के कारण है और ताइवान जंग की हालत में इन बंदरगाहों को कतई बख्शने वाला नहीं है। जाहिर है, चीन को बड़ा झटका लग सकता है और शी जिनपिंग के लिए गिरती अर्थव्यवस्था के बीच इसे संभालना बड़ी मुश्किल होगी। नंबर 3, बुरे फंसे हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग के सामने चुनौती है कि इसी साल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक होनी है और शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की चाहत रखते हैं। ऐसे में कुछ बड़ा नहीं किया तो किस मुंह से पार्टी बैठक में तीसरी बार चुने जाने की दावेदारी करेंगे। नंबर 4, बुरे फंसे हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग के सामने घरेलू फ्रंट पर जितनी बड़ी समस्या है, उतनी ही बाहरी मोर्चे पर भी है। चीन और ताइवान के बीच में 128 किलोमीटर चौड़ा ताइवान स्ट्रेट है। यह दुनिया के व्यापार के लिए सबसे व्यस्त क्षेत्रों में से एक है। जाहिर है, अर्थव्यवस्था जब हिलती है तो सब कुछ डमाडोल होने लगता है और ताइवान पर हमले की सूरत में इसका हिलना तय है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ शी जिनपिंग की होगी। दूसरी ओर बहुत बड़ा सच है कि इतनी दूरी तय करते करते चीन एक महाशक्ति बनने के दरवाजे पर पहुंच चुका है और शी जिनपिंग ताइवान हमले के बहाने इसे साबित करना चाहते हैं और इसके लिए दुनिया के टेक पावर हाउस ताइवान की बलि चढ़ा देने से भी शी को गुरेज नहीं है।